दुर्ग जिला कलेक्टर के हाथों जन समर्पण सेवा संस्थान ने मानव सेवा के 2000 दिन पूर्ण होने पर दिव्यांगों को बांटी बैशाखी व ट्राईसाइकिल। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया आयोजन। मानव सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत जन समर्पण सेवा संस्था ने दुर्ग जिला कलेक्टर के हाथों शहर के जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व बैसाखी का वितरण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में 4 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व 3 दिव्यांगों को बैसाखी का वितरण किया। गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था के 2000 दिन पूर्ण होने पर संस्था द्वारा दिव्यांगों के लिए किए गए इस प्रयास की दुर्ग जिला कलेक्टर ने खुले दिल से तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी जन समर्पण सेवा संस्था के मानव सेवा को समर्पित कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें भी सामने आकर समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था पिछले 2000 दिनों से प्रतिदिन 100 से अधिक असहाय व सड़क पर जीवन यापन करने वाले गरीबों को निशुल्क भोजन उपलब्ध करा मानव सेवा का कार्य कर रही है और इसके तहत विगत 5 वर्षों में संस्था ने कुल 49 ट्राईसाइकिल और 139 बैसाखियों का वितरण भी किया है। मानव सेवा के साथ ही जन समर्पण सेवा संस्था के सदस्य बेजुबान पशु पक्षियों की भी सेवा करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके तहत संस्था ने सड़क पर घूमने वाली गायों को पानी उपलब्ध कराने, विभिन्न स्थानों पर कोटने की व्यवस्था की है। वहीं पक्षियों के लिए गर्मी के दिनों में शहरवासियों को पानी रखने के लिए प्रेरित करते हुए मिट्टी के पात्र भी वितरण किए गए हैं। जन समर्पण सेवा संस्था की मानव सेवा को समर्पित ये कार्य आज शहर में उन्हें एक अलग पहचान दिला रहा है। जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा ने कहा कि मानव सेवा के लिए वह सदैव प्रयासरत रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।